मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज रोहित आर्य ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। रोहित 3 महीने पहले ही न्यायिक सेवा से रिटायर हुए थे। पिछले 4 सालों से जजों के राजनीति में आने के ट्रेंड में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक 2020 से अब तक 7 जज पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई राज्यसभा के जरिए राजनीति में आए। गोगोई पहले चीफ जस्टिस थे जो राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए थे। राज्यसभा में उनके मनोनयन पर कई सवाल भी उठे थे, हालांकि गोगोई कभी भी इस पर कुछ बोले नहीं। इसके बाद पिछले 4 साल में अब तक 7 जज राजनीति में आ चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि 7 में से सिर्फ 1 जज को ही बड़ा पद मिला है। इसमें पहला नाम रंजन गोगोई का है। असम के रहने वाले रंजन गोगोई भारत के पूर्व CJI है। गोगोई 2020 में राष्ट्रपति कोटे से राज्यसभा के लिए चुने गए। इस लिस्ट में दूसरा नाम है SK कृष्णन। 2021 में मद्रास हाईकोर्ट के जज रहे SK कृष्णन ने DMK का दामन थाम लिया। बता दें, अब तक कृष्णन को कोई भी बड़ा पद नहीं मिला है। इस लिस्ट में तीसरा नाम है अब्दुल नजीर का। 2023 में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अब्दुल नजीर को केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश का राज्यपाल मनोनीत किया। नजीर तब से अब तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। इस लिस्ट में चौथा नाम है सुभाष राठौर का। साल 2023 में कर्नाटक के निचली अदालत में जज रहे सुभाष राठौर ने JDS का दामन थामा। कांग्रेस के गढ़ गुलबर्ग के चट्टापुर सीट से उम्मीदवार भी बने, लेकिन उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इस लिस्ट में पांचवा नाम है अभिजीत गंगोपाध्याय का। कोलकाता हाईकोर्ट के जज रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले BJP में शामिल हुए थे। बंगाल की सबसे सुरक्षित सीट तमलुक से उम्मीदवार बने और करीबी मुकाबले में चुनाव जीत गए और संसद भी पहुंच गए हैं। उनके कैबिनेट मंत्री बनने की भी चर्चा थी, हालांकि वो कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाए। इस लिस्ट में छठा नाम कृष्णकांत भारद्वाज का है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के कांकेर के जिला मुख्य जज कृष्णकांत भारद्वाज ने इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। भारद्वाज जांजगीर चांपा के बिलाईगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इस लिस्ट में 7वां नाम है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज रोहित आर्य का, जो बीते दिनों BJP में शामिल हो गए। आर्य को कौन सा पद मिलेगा, इसको लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। मध्य प्रदेश में BJP के पास वर्तमान में राज्यसभा का एक पद भी खाली है। ये पद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा सांसद चुने जाने की वजह से खाली हुआ है। हालांकि इस पद पर कई दावेदार हैं। ऐसे में अब रोहित के आगे की क्या भूमिका होगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल, अब सवाल उठता है कि क्या न्याय करने वाले जजों को राजनीति में जाना उचित है? यह अक्सर विवादों का विषय रहा है। कुछ ऐसे कह सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आकर समाज की भलाई करने का मौका मिलता है, लेकिन एक कश्मकश ये भी है कि जब रिटायरमेंट लेने के बाद एक जज किसी पार्टी में जाता है तो इसमें उनकी प्राथमिकता नजर आती है। जैसे अभिजीत गंगोपाध्याय हाईकोर्ट में जज रहते वक्त अक्सर बंगाल सरकार को फटकार लगाते थे। जब वो BJP में गए तो ममता सरकार को मौका मिल गया। खूब आरोप लगे कि अभिजीत गंगोपाध्याय की सच्चाई सामने आ गई। हालांकि ये बिल्कुल निजी फैसला होता है, लेकिन इतने सम्मानित पद पर रहने के बाद राजनीति के दलदल में आना कितना सही है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।